हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल इन्फो ज्ञान। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में आपके साथ ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉयज एसोसिएशन का लेटेस्ट सर्कुलर शेयर करेंगे, जो कि 3 फरवरी 2020 को शेयर किया गया है। इस लेटर में AIBEA ने 30 जनवरी को हुई बाइपार्टाइट टॉक के बारे में बताया है। यूनियन का कहना है कि 27 जनवरी को चीफ लेबर कमिश्नर के द्वारा IBA व सभी यूनियंस के साथ एक मीटिंग रखी गई थी और फिर CLC के एडवाइस पर IBA ने UFBU को बाइपार्टाइट मीटिंग के लिए 30 जनवरी को मुंबई में बुलाया था। आपको बता दें कि यह मीटिंग स्ट्राइक से ठीक पहले दिन की गई थी। यूनियन ने यहां अपनी सभी डिमांड्स को एक्सप्लेन किया, जिसके बाद डिस्कशन हुई और IBA ने ऑफर दिया 13% हाइक इन पे स्लिप कॉस्ट, जिस पर उन्हें 7108 करोड़ रुपये की कॉस्ट पड़ेगी, और कहा कि आप टूडे स्ट्राइक को डेफर कर दें। IBA ने यह भी कहा कि 13% हाइक पर उन्हें सुपर एनुएशन कॉस्ट 12,391 करोड़ रुपए पड़ेगी, लेकिन यूनियन ने उनका यह ऑफर रिजेक्ट किया। फिर IBA ने अपना ऑफर 13.5% इंक्रीज कर दिया। IBA ने कहा कि हम एडिशनल लोडिंग और स्पेशल अलाउंस को बेसिक में तभी मर्ज कर पाएंगे जब यह ओवरऑल कॉस्ट में फिट होगा। 5-डे बैंकिंग के बारे में IBA ने कहा कि वो इसके फेवर में नहीं है, फिर भी वो स्टेक होल्डर्स के साथ इसके बारे में बात करेंगे। फैमिली पेंशन में इम्प्रूवमेंट पर IBA का कहना है कि यह इशू गवर्नमेंट को रेफर कर दिया गया है और इस पर फेवरेबल डिसीजन एक्सपेक्ट किया जा सकता है। पेंशन अपडेशन पर IBA का कहना है कि पेंशन अपडेशन की कॉस्ट बहुत ज़्यादा है, फिर भी IBA इसे फेवरेबली देखता है और इस पर जल्द ही अपडेशन के लिए वर्क करना स्टार्ट करेगा। स्क्रैप NPS पर IBA का कहना है कि यह गवर्नमेंट की पॉलिसी है और इसे स्क्रैप नहीं किया जा सकता। सभी डिमांड्स पर इसी तरह की डिस्कशन के बावजूद IBA ने यूनियन को 2 डेज स्ट्राइक को डेफर करने को कहा। इसके बाद यूनियन ने म्यूचुअल कंसल्टेशन की, यदि IBA ऑफर को 15% इम्प्रूव करता है और बाकी इश्यूज़ को फर्दर मीटिंग में सॉर्ट आउट कर लिया जाएगा, लेकिन IBA ने ऑफर को नहीं बढ़ाया और UFBU ने स्ट्राइक पर जाने का फैसला लिया और यहाँ पर डिस्कशन ख़त्म हुई। नेक्स्ट, एक बार दोबारा SBI चेयरमैन मिस्टर रजनीश कुमार द्वारा यूनियन को मीटिंग के लिए इनवाइट किया गया। इस मीटिंग में IBA चेयरमैन ने ऑफर किया कि हम आपको 15% तक पे स्लिप कंपोनेंट पर इंक्रीज दे सकते हैं, लेकिन 5 और 7 डेज PL इनकैशमेंट इसमें इंक्लूड नहीं होगी। यदि यूनियन चाहती है कि 15% हाइक कॉस्ट पर दिया जाए तो कॉस्ट जो है वह 7,900 करोड़ रुपये हो जाएगी, फिर इसमें PL इन्कैशमेंट नहीं मिलेगा। उन्होंने कहा कि यदि इसे 15% इंक्रीज किया जाएगा तो लोडिंग फैक्टर 2% से ज़्यादा नहीं हो पाएगा और स्पेशल अलाउंस को भी मर्ज नहीं किया जाएगा। 5-डे बैंकिंग पर कहा कि प्रेजेंट बैंकिंग सिनेरियो और कस्टमर रिक्वायरमेंट को ध्यान में रखते हुए 5-डे बैंकिंग पॉसिबल नहीं है। इसके बाद उन्होंने कहा कि यदि ओवरऑल कॉस्ट एग्री करती है तो हम स्पेशल अलाउंस मर्ज व लोडिंग फैक्टर को भी इंक्रीज कर सकते हैं, लेकिन इन्हें ओवरऑल कॉस्ट के अनुसार ही देखा जाएगा। यूनियन का कहना था कि 5-डे बैंकिंग की डिमांड को डिक्लाइन नहीं किया जाना चाहिए, इसे आगे की डिस्कशन के लिए रखना चाहिए। इन सब के बाद यूनियन ने डिसाइड किया कि वो IBA के साथ एग्री नहीं करते और वो स्ट्राइक के साथ आगे बढ़ेंगे। फ्रेंड्स, 30 जनवरी की मीटिंग में यही सब डिस्कशन हुई। इसी तरह की लेटेस्ट बैंकिंग अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।